वेलकम टू माय चैनल जीतू सुपर पिजन में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज एक और अपने घर का जोड़ा लगाने लगे हैं भाई, ठीक है। ये लाल चीना कबूतर है अपना, ठीक है जी। ये रहा अपने घर वाले कबूतरों में से है, शो करवा रहा हूँ आप सब भाइयों को, ठीक है दोस्तों। ये कबूतर है और भाई ये कबूतरी है इसकी, ठीक है जी। ये कबूतरी है भाई। जोड़ों का बहुत अच्छा मौसम है, जोड़े लगा लो, ठीक है। बच्चे कटवा लो एक एक दो दो झोल, फिर जोड़े हटा देना। ये कबूतरी है भाई इस कबूतर की, ठीक है। तो छोड़ के दिखाते हैं आपको। ये अलग अलग कर रखे थे भाई, आज इकट्ठे छोड़े हैं। तो चलो भाइयों को शो करा देते हैं। 3 महीने से अलग थे जोड़े, 3 महीने का रेस्ट दिया कबूतरियों को हमने, ठीक है जी। ये जोड़ा लगाया भाई, जोड़ा पहले से ही था इनका, तो अब इकट्ठे छोड़ दिए बस। देखो छोड़ते ही क्या है, कबूतर जो है ठीक है जी, ये जोड़ा है। और पैरों पे फिर से फोकस करो इनके, ये पैर हैं इनके, इस क्वालिटी के पैर लेने हैं आपने जब भी जोड़ा लगाओगे आप, ठीक है दोस्तों। काफ़ी भाइयों के इनके बच्चे हमने काफ़ी भाइयों को दिए थे जिनके पास अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है। बाकी आपको शौक कराएंगे जो भी जोड़ा हम लगाएंगे। ये पुराने जोड़े हैं अपने सारे के सारे, दिल्ली में ही थे ये सारे जोड़े। तो अब ये जैसे अलग कर रखे थे तो छोड़ रहे हैं, तो क्या है बहुत जल्दी जोड़ा पकड़ लेगा कबूतर, क्योंकि जिसका पहले जोड़ा था ना उसमें कबूतर जल्दी पकड़ लेता है जोड़ा। तो इस क्वालिटी के जोड़े लगाते टाइम आपने जो मैंने बातें समझाई थी वो ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। 100% रिजल्ट अगर चाहिए तो, वैसे नहीं वैसे मत सोचा करो कि भाई मेरे पास जो है वो लाल चीना कबूतर पड़ा है तो मैं लाल चीनी कबूतरी ही लगा दूं, इसके साथ सेम जोड़ा बन जाएगा। ये सब चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको माइनस पॉइंट में लेके जाती हैं। अब मैंने आपको दिखाया ये कबूतरी है, देखो मेरे पास है ना, अब बिल्कुल डिट्टो कॉपी ऐसा नर भी है मेरे पास, लेकिन मैंने उसके साथ जोड़ा नहीं लगाया, इसके साथ लगाया। और ये जैसा नर है ऐसी डिट्टो कॉपी मादिन भी है मेरे पास, मैंने उसके साथ नहीं लगाया जोड़ा, इसके साथ लगाया। तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा। और बहुत सारे भाई बोल रहे होंगे आप पता नहीं सही बोल रहे हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डिट्टो कॉपी है मेरे पास ऐसा नर, दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों डिट्टो नर है मेरे पास, डिट्टो कॉपी। अब मैं उस नर को अगर बाहर निकाल दूँ और इस नर को छोड़ दूँ तो एक जैसा जोड़ा है ये, लेकिन मैंने इसके साथ नहीं लगाया, उसके साथ लगाया जोड़ा। अब इस बात को शायद आप लोग ना समझें कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे भाई हैं यही चीज़, अब देखो सेम लग रहा है जोड़ा, देख रहे हो आप। अब मैं मान लो इस कबूतर को निकाल दूँ जो इसके साथ मैंने लगाया है, रुको एक मिनट, मैंने ये निकाल दिया भाई। अब आप जोड़ा चेक करो, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है ना, टू कॉपी, लेकिन मैंने इसके साथ नहीं लगाया जोड़ा, ठीक है। अब आपके पल्ले पड़ी हो तो कोई बात, इस कबूतर के साथ जोड़ा नहीं लगाया, इस कबूतरी का, इस कबूतर के साथ लगाया जो ये है। अब इसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा भाई। लोग बाग क्या करते हैं, सेम जोड़े के पीछे भागते हैं कि भाई हमें सेम जोड़ा लगाना है, ठीक है। हो मेरे पास तो सेम कबूतरी पड़ी है, सेम कलर का नर पड़ा है, लगा दो जोड़ा, बच्चा पास है। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है। आप कलर मत देखो कि क्या कलर है, आप ये देखो इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी। अब इस कबूतरी का इस कबूतर के साथ कहीं भी जोड़ा सेट नहीं होता था, बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा। अगर मैं लगा भी दूंगा तो बच्चा नहीं उड़ेगा इसका, उसके साथ उड़ेगा बच्चा। अब मैंने आपको दिखा दिया, हमेशा कबूतरों में ना एक चीज़ की कोशिश और करनी है आपको, आँखों की क्रॉसिंग ज़रूरी है। देखो जैसे वो नर बैठा ना वैसी कबूतरी भी है मेरे पास, कबूतरी भी दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये रही सेम कबूतरी है भाई, जैसा कबूतर है ना वैसी कबूतरी है ये रही सेम। अब देखो अगर मैं इस कबूतरी को छोड़ूं, हालांकि कबूतरी जोड़े से अलग है, अगर मैं इस कबूतरी को छोड़ूं तो बन गया ना सेम जोड़ा ये, देखो ध्यान से देखो,
मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सब भाई शायद ना समझें, वो आपकी मर्जी है। अब ये सेम जोड़ा बन गया, मेरे तो दो जोड़े सेम बन जाते ना भाई, लेकिन मैंने उसके साथ नहीं लगाई, ये कबूतरी इस नर के साथ नहीं लगाई, तो इसका कोई ना कोई तो रीज़न है ना भाई। देखो नहीं लगाई ना इस नर के साथ, सेम जोड़ा बन रहा है ये, तो सेम जोड़ों के चक्करों में मत पड़ना कभी भी अगर कबूतरबाजी अच्छी करनी है। ये बिल्कुल डिट्टो जोड़ा बन रहा है, और इस कबूतरी के साथ उस नर का बन रहा था, लेकिन ना तो मैंने ये कबूतरी उस नर से डाली और ना ये कबूतरी इस नर से डाली, तो ये एक बहुत माइनस पॉइंट होता है। जो भाई सोचते ना कि ओ हो यार सेम जोड़ा बन रहा है लगा देते हैं, कभी भी मत सोचना ये बात ज़िंदगी में। आप सिर्फ ये देखो कि आपको नस्ल कौन सी नस्ल से आपने क्रॉस डालना है और कितना रिजल्ट आपको चाहिए, ठीक है, ये रीज़न होता है दोस्तों। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात पसंद आई होगी, ठीक है जी। अगर पसंद आई होगी तो भाई वीडियो ज़रूर लाइक कर देना।